एक ही बॉल में क्लीन बॉल कर दिया, अभी बैटिंग करेगा तो क्या करेगा कुछ पता नहीं। देखा तूने कैसा छक्का मारा, सिक्स। हाय कैसा छक्का मारा पप्पी दे दे, हाय हाय। बॉल की बात कर रहा हूँ, कैसे मारते मुझे सिखाओ ना। उसके लिए दूसरा आदमी ढूंढो। ए भाई तूने बॉल कैसे मारा, जाके घर से ले आ। लेकिन मैं क्यों जाऊँ वहाँ, ये बंगले का सिक्योरिटी गार्ड ग्राउंड में घूमता रहता है, बॉल तूने मारा है इसलिए तू जाके लेके आ। सर आप कैसे, सर 100 के 100 पॉइंट ले लेते हो। ए होशियार हो गए तो मंजिल मिल ही जाएगी, समझ गए। तुम्हारा नाम क्या है? मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला, योर गुड नेम प्लीज। शाहरुख खान। शाहरुख खान, मनीषा कोइराला, आई लाइक यू। मैं भी आपको लाइक करता हूँ। देखा तुमने, हम दोनों के मिलते ही प्यार शुरू हो गया। आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। थैंक्स। आपके गले की चैन और हाथ की घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तेरी बातों में रॉयल चैलेंज का नशा है, मैं मदहोश हो गया। आप ये गले की चैन उतार के दो, मैं अपने गले में पहनती हूँ। तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लगेगा, ये लो पहन लो। और ये रिंग भी दो, बहुत
बहुत अच्छी लगेगी। ओ, ये तुम्हारी कोमल उंगली में बहुत अच्छी लगेगी। Excuse me, आपके पास सेल फोन है क्या? क्यों? वो क्या है ना, अपने प्यार के बारे में मैं अपने घर पे फोन करके बताना चाहती हूँ। ये मेरा सेल फोन नहीं है, ये तुम्हारा है, जितनी मन करे उतनी बात करो। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ, सिग्नल नहीं मिल रहा क्या? मैं जरा उधर जाके बात करूं। ओ, ये तुम्हारा सेल फोन है मेरी जान, जहाँ मन में आए वहाँ जाके बात करो। हेलो हेलो, ये क्या हेलो हेलो बोलती हुई आगे जा रही है? हेलो मनीषा, हेलो मनीषा, हेलो मनीषा, हे ए, 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 क्या कर रही है? अरे मेरा मोबाइल लेके कहाँ भाग जा रही है? अरे बाप रे, ये सब लूटने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया था क्या? तेरी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पीछे मत आ। तू मुझे धोखा देके नहीं जा सकती। ए, मेरा पीछा किया और मुझ पर हाथ उठाया तो मुंह तोड़ दूंगी। सेल फोन चाहिए, सेल फोन। ये क्या चीज खोल रही है? अरे बाप रे, ये ले पकड़। पागल, अपने आप को शाहरुख खान समझता है, अब शक्ल देख पता चल जाएगा। दिल से फिल्म की हीरोइन मनीषा कोइराला की तरह है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, इसलिए वो मुझे अपने पास मत आना बोल रही थी। प्रिया प्रिया रुको, प्रिया प्रिया प्रिया, बचाओ, मैं कहता हूँ रुको, प्रिया मेरे हाथ में सीट है, डाल दूंगा मैं, प्रिया 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 बचाओ, सुनो सुनो प्रिया प्रिया प्रिया, ये रुको रुको प्रिया, मैं कहता हूँ प्रिया। तू बहुत बड़ा दाता है। क्यों पीछा कर रहा था तुम्हारा? सर, ये मुझसे प्यार करता है और कहता है शादी नहीं की तो चेहरे पे तेजाब फेंक देगा, बहुत परेशान करता है ये। सुन भाई, ऐसे डालने से प्यार नहीं होता, प्यार से बात करने से प्यार होता है। अगर किसी से प्यार करते हो तो दिल से करो, यही है रियल लव, समझ गए? सुनो, दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगा, अगर दोबारा तुम्हें ये तंग करे ना, मेरे पास आना। ओके, गो गो। सॉरी सर। लगता है इन दोनों के बीच लव हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ये ले, तू बॉल फेंक, में बैटिंग करूंगा। मैं भी खेलूंगा। नहीं नहीं, ये जूनियर क्रिकेट है। हाँ, पता है। प्लीज बॉल दो ना। अरे बाप रे बाप, मेरा बॉल फेंक दिया आपने। क्यों चिल्ला रहे हो? बॉल चाहिए ना? हाँ। मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या तमाशा चल रहा है जो देख रहे हो तुम? मैं कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ। रंग जमा है, रंग जमेगा, ए, आज हम सब मिलके सब पिएगा, ए, दोस्तों लो पियो, ऐश चीयर्स, मजा आ गया। ए विश्वा, तू कहाँ गया था? भूत की तरह गायब हो जाता है। ग्राउंड में गया था यार। हमसे तू झूठ मत बोल यार, हम भी तो ग्राउंड में ही थे। तूने कसम खा ली है कि झूठ बोलेगा, बता ना। हाँ भाई बताता हूँ, अपने ग्राउंड के बगल में एक घर है ना, वहां पर मैंने एक खूबसूरत एंजल की तरह लड़की देखी है, उसने तो मुझे एक ही नजर में बोल्ड कर दिया। एक चांद का टुकड़ा है। लोग पीने से पहले ही पगला गए। पियो पियो।
अल्ले विश्वा इधर आके बैठ। यार तेरी बात से तो लगता है लड़की बहुत खूबसूरत होगी। हाँ दोस्त बहुत खूबसूरत है। या ये तो करोड़पति बाप की बेटी हो गई यार। वो जहाँ भी जाती होगी अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही जाती होगी यार। भाई अपना तो उससे मिलना भी मुश्किल होगा क्योंकि वो है बड़े घर की बेटी ना। तुम सच कह रहे हो दोस्त, उसके घर के बाहर हमेशा दो सिक्योरिटी खड़े रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर 5 मिनट में वो लोग घर का चक्कर भी लगाते रहते हैं। है, ये तुझसे हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक कंडीशन है यार। क्या? इधर आ, इधर आ। इसने बोला कि उस लड़की को कैसे भी मना कर लाओ और फिर हम सब मिलकर उसकी। रुक, ऐसा बोला? मैं तो ये बोलना चाहता था कि विश्वा की शादी उसके साथ करवा दी जाए, लेकिन इससे पहले ही तुम लोगों ने। दिन में खाना नहीं खाया ना? इस तरह खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगी। अरे कम से कम जूस तो पीना चाहिए ना। देखो तुम अच्छी तरह से खुश रहोगे ना तो ही मैं खुश रह पाऊंगा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। चलो अब शुरू हो जाओ। अरे खाओ ना। कमला तुम खाना नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे खा ना बाबा। हाँ ये हुई ना बात। अरे अरे लो लो पानी पियो। हेलो ये पेट्रोल पंप फेंकने वाली लड़की है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि शादी नहीं करूंगा, लेकिन देखा एक काउंसलर होकर भी एक औरत ने आपको पंचायत में खड़ा कर दिया। तू चिंता मत कर रहे, हमें भी छुड़ाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। हटो जी हटो जी हटो जी, पंचायत के प्रधान आ रहे हैं जी। क्या बात है, बहुत भीड़ जमी है। भीड़ की वजह पंचायत? पंचायत में तो भीड़ होती है, समस्या क्या है बोलो? देखो ये एक बड़ी समस्या है और हम एक हफ्ते से परेशान है। मैं पंचायत करने के लिए आया हूँ तो कोई समस्या नहीं है। नेताजी बहुत फैसला करने वाले हुए हो, इसका फैसला करके दिखाओ तब समझे कि तुम असली नेता हो। इसका फैसला तो मैं बाहर आए कर दूंगा। मैंने पहले ही कहा था ये कुछ गड़बड़ मामला है, फैसला जल्दी नहीं होगा। तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, समझा? प्रधान जी आए वो अपना फैसला सुनाएंगे, थोड़ी तसल्ली रखो भाई। बोलो हार बोलो मेरे बारे में। मैं तो पहले बैठिए साहब। हाय डरो मत, मैं पंचायती कुर्सी पे बैठ गया अभी का अभी फैसला कर देता हूं। जी तुम अपनी कहानी बताओ। सुनिए नए नेताजी, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती थी। मैं जैसी आई थी मुझे वैसे ही भेजो। वैसे भेज देंगे, तुम क्या कहते हो भाई? बोलो। मैं तलाक देने को तैयार हूँ, वो जो मांगे सब देने को तैयार हूँ, जैसी आई थी वैसे ही भेज दूंगा। अब थर्ड फोर्थ फैसला तो दे ही सकता हूँ। सुनो बहन जी, तुम क्या ऐसे कुंवारी आई थी? हाँ विधवा बनकर आई थी, इस आदमी ने मुझसे शादी की और अब वापस मुझे विधवा बनाकर भेजो। ये कैसे हो सकता है, विधवा बनाकर के फिर से भेजो? ज्यादा नाटक मत करो, पंचायत पंचायत की तरह होनी चाहिए। जो वादा किया है वो पूरा करो, मुझे विधवा बनाकर भेजो, नहीं तो। अरे मैं तो फंस गया, अब कैसे करूँ? इसने तो तलवार उठा लिया। अब मेरा फैसला ये है कि इसको खुश रखने के लिए उसके पति को मार दूँ। मेरे भाई को मारने का फैसला सुना रहा है तेरी तो? फैसला तो ये नहीं सुनाता, लेकिन क्या फैसला बदलना नहीं चाहिए। इसको मारो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, समझ गए? अरे मैं तो खाली पीली फंस गया, अब क्या करे। एक आइडिया मेरे खोपड़ी में आया है। भाई साहब तलवार हटा लो, यहाँ से 10 कदम कितनी दूरी पे होगा? बताओ बताओ बताओ। वो पत्थर है ना, उतनी दूर होगा। एक काम करो, आप एक लाइन खींचो, तुम अपने असिस्टेंट से बोलो। अरे जाने यार जल्दी से, एक लाइन खींचना यार, क्या देखता है? क्या कर रहा है, लाइन बना दिया? लाइन बना दिया साहब। होशियारी मत करो। कहा होशियारी नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे जाना हटाओ। Mm-hmm.
हम तो यहाँ पे आए थे हवा खाने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पंचायत के नाम पे मुझे मर्डर करने की कोशिश की। ये क्या सही है? अगर तुम लोग एक बाप के औलाद हो तो इस लाइन को पार करके इधर मत आना। ये मैंने खुद को बचाने के लिए फैसला किया था, समझ गए? ऐसा है साहब जी, दिमाग चाहिए दिमाग। अब तो भागना पड़ेगा। भागो साहब जी, भागो। अरे बाप रे, ये पुलिस वाले की लड़की है क्या? अपनी तो लग गई। अभी मजा चखाती हूँ तुझे। ए, चोरी करने आया है क्या? हाँ जी, चोर हूँ मैं, चोरी करने के लिए आया हूँ। ए, तू हमेशा खिड़की से झांकता क्यों रहता है? तुझे अंदर करवा के ना तेरी हड्डी पसली तुड़वा दूंगी। ऐसे घूर क्यों रहे हो? तू जानता है कि मैं कौन हूँ? जानता हूँ, पुलिस वाले की लड़की हो। तुम्हारे घर के बाहर सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक के तुम्हारे बेडरूम तक आया हूँ, समझी? मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, समझ लो तुम। क्यों आए हो यहाँ? प्यार करने के लिए। हा? तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर बस गई थी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें एक दिन भी अगर नहीं देखता तो पता नहीं मुझे क्या होने लगता है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, सुन लो। तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा मैं। सुनो, बकवास मत करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ए, ए, ये क्या कर रहे हो? कितने दिनों तक खिड़की के बाहर से देखूंगा तुम्हें? तुम्हारे पास आना जरूरी है ना। ए, मैं कह रही हूँ चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जाऊँगा। चोर कहीं के, तुम तो हद पार कर रहे हो। ए, रुको। ये क्या कर रहे हो? ए, मैं कह रही हूँ ना मत करो ऐसा, तुम बचोगे नहीं। मैं कह रही हूँ ना तुम पकड़े जाओगे, बता रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। हाँ जी, मैं कह रही हूँ ना मैं चोर हूँ। तुम चोर, तुम्हें चुरा के ले जाऊँगा। नहीं हो, नहीं, रुक जाओ। अरे मैं हूँ लड़का और तू है हसी लड़की।
और कहीं के तुमने हद पार कर दी। मैंने हद पार नहीं की, बस अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? ओह यस। किसी को बिना बताए मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो? क्यों? मुझे एक खास जगह पे जाना है। कहाँ? चलो बताती हूँ। इधर दो। क्यों, क्या हुआ? तुम यहाँ अंदर आई, ताला तोड़ दिया और कुछ ढूंढा भी, और अब तुम रो रही हो। तुम पुलिस वाले की लड़की हो, तुम्हारा रोना अच्छा नहीं। मैं पुलिस वाले की लड़की नहीं, उसने मुझे कैद करके रखा है। ये क्या बोल रही हो? वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती। उसने मुझे जबरदस्ती ए चलना रे। अरे तुम लोग जाओ ना, ये कभी नहीं सुधरेगा। क्या स्वर्ग की अप्सरा आ रही है, कमाल की है भाई, कमाल की है। तुम्हारे लिए लाया हूँ बेटी। पापा, आपको आंखों से कम दिखता है, उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है, फिर ये स्कूटी क्यों लिया है? मेरी आंखें तो तुम हो बेटी, तो फिर मैं क्यों चिंता करूँ? तुम्हें पैदल चलते हुए देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और फिर तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी भी खुशी है ना बेटी। थैंक यू पापा। लेकिन अगले महीने में इलाज जरूरी है, करवाएंगे आप, समझ गए ना? Oh!
अरे यार इसको देखते ही नशा चढ़ रहा है यार। क्या लड़की है यार, काश इसको मैं किस कर सकता हूँ, मजा आ जाता हूँ, एकदम हिरनी जैसी चल रही है। अब आके खाना भी खा लो। हाँ, अब समझ में आया मुझको कि तुम नींद में भी लड़की लड़की बक रहे थे। अरे उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? बता इसको। अरे बुढ़िया, उसके पास दिमाग है और कितनी खूबसूरत भी तो है वो। कम से कम इस उम्र में देखने तो दो, जब देखो तब आ जाती हो दिमाग चाटने के लिए। जाओ जाओ। ठीक है, आप चिंता मत करो, आप कंप्लेन लिख दो, मैं देख लूंगा। ओके, आप जा सकती हैं, मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे यार, तुम देखने में इतने छोटे हो, लेकिन तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई? अच्छा ये बताओ, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझे? ना करे तो क्या? भीख मांगो। देख देख, वो आ रही है। देख, आ रही है, आ रही है। वापस आएगी। भागो 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 भागो। लड़कियों को छेड़ता है। निकला। ए, अंदर चलो। चले मजनू। चल अंदर चल। अरे बाप रे भैया, इसने क्या किया जानते हैं आप? जवान लड़की को पब्लिक प्लेस में छेड़ा है। स्कूल में पढ़ता है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना चमड़ी उधेड़ देता। समझा लो इसे। सॉरी सर। चलो। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते, कम है, कम है, हटो तुम लोग। तुमने मन बढ़ाया इसका, छोड़ने पे लड़की को छेड़ना है पूरे मोहल्ले में नाम करा दी मेरी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझको। Thank you.
अरे 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 सॉरी 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 अरे ज्यादा चोट लग गई क्या? रुको मैं ठीक कर देता हूँ। इट्स ओके। आई एम सॉरी सॉरी। चलो चल के चाय पीते हैं। आओ उठो। कम ऑन। आओ। थैंक यू। कम ऑन। क्या मंगाऊं? गुलाब जामुन, हलवा या फिर बर्फी या जलेबी? ओके, गुलाब जामुन। ओह, गुलाब जामुन। हे, दो प्लेट गुलाब जामुन लाओ। ओके सर। थैंक यू। और क्या लोगे? नहीं नहीं, और कुछ नहीं खाना। अरे अच्छी तरह से खाना चाहिए, कुछ और लो ना। और एक रसगुल्ला बोलूं क्या? ओके ओके। एक उसकी नजर गलत जगह पे थी, कभी ना कहेगा। आंखें हैं तो कहीं भी देखेगा क्या? उसने देखा तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा पता नहीं क्यों। बास्टर्ड। अबे तू खिड़की से क्या झांक रहा था रे? तेरी इतनी हिम्मत, आज तू घर तक पहुंच गया है? चल तू मेरे साथ। दूसरों के घरों में झांकने की आदत में तेरा छुड़ा दूंगा। फिर झांकेगा, फिर आएगा। बोल बोल तू। बास्टर्ड। आ इधर। ए चल अंदर। दोबारा कभी ऐसा किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा रास्कल। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, ये आपके घर चोरी करने आया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, ऐसी हरकतें क्यों करते हो? सुधरने की कोशिश करो। कल तुम्हें चोट लगी थी ना, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। थैंक यू सर। सर, ये अभी उम्र में बहुत ही छोटा है, इसके फ्यूचर का सवाल है, छोड़ दीजिए इसे। ओके ओके। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। उस दिन मैंने उस लड़के को समझा दिया था और उसने भी सॉरी दीदी बोला था मुझे। इंस्पेक्टर ने कहा था उसे छोड़ देगा, लेकिन उसने उसे छोड़ा, मार मार कर उसकी जान ले ली। और फिर दूसरे दिन सुबह उस लड़की की डेड बॉडी कचरे के डब्बे में मिली।
लड़के के माँ बाप ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करवा दी और कहा कि मैंने ही उसके बेटे को मरवाया है। इस केस में मैं बेगुनाह हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा, और वो मेरी मदद करेगा, ऐसा उसने बोला। तब जाके मैं थोड़ा शांत हुई, लेकिन पापा और मैं बहुत डर गए थे। उस दिन रात में वो हमें अपने घर ले गया, तसली दी। उसी वक्त से वो मुझे टॉर्चर करने लगा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, किससे मदद ले, किसे बताएं। और एक दिन रात में वो ये क्या है सर? नहीं, वो इसे मैं कमला से। रात में आप हमें तंग मत कीजिए सर। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी। नमस्कार, दरअसल मैं कमला से। आप हमें परेशान मत कीजिए सर, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ आपके सर। ओके ओके ओके। अच्छा, सर क्या चाहिए आपको? सॉरी सॉरी, आप नाच। क्या बात है सर? अरे कुछ नहीं, तुम सिखाओ, मैं तो बस ऐसे देखने आ गया था। आप यहाँ रहेंगे तो हम नाच नहीं पाएंगे, प्लीज यहाँ से जाइए आप। ओके ओके, यू कैरी ऑन। इंस्पेक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पिताजी चाहिए तो जैसा बोलते हैं वैसा करो। चलो जीप में बैठो। मेरे पापा कहाँ हैं? घर कैसा लगा? मेरे पापा कहाँ हैं? इस घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे बस। What? मेरे पापा कहाँ हैं? दो बच्चे काफी है ना? लड़का मेरी तरफ बड़ा पुलिस ऑफिसर बनेगा और लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह भरतनाट्यम डांसर बनेगी, समझी? मेरे पापा कहाँ हैं? और फिर तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, लाइक अ फ्री बर्ड। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शादी कब करोगी ये तो बताओ। मेरे पापा कहाँ हैं बता। hey! पापा पापा पापा, ठीक है सुना, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अगर तू किसी के लिए बनी है तो सिर्फ मेरे लिए बनी है। मैं तुम्हारे बाप को कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा ससुर है, समझी? हाँ, तेरी सुंदरता को कोई और नहीं, सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ, समझी तुम? है, मैं तुम्हें चाहता हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? मुझे मेरे पापा चाहिए। hey! मैं तेरे बाप से शादी करूंगा। ए, पापा पापा करेगी
तो तेरे पापा को मार कर तेरा रेप करके वो जो छोटा लड़का मर गया था ना, उसके खून के इल्जाम में तुझे अंदर कर दूंगा, जेल भेजवा दूंगा। जेल में सरती रहना जिंदगी भर, समझ गई तू? सॉरी, मैं ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगा। तू मुझे एक मौका तो दो, मैं साबित कर दूंगा, ओके, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ कमला, बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश की पापा को ढूंढने की, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई। बाप रे, मैं तो बहुत डर गया था कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा कहाँ ये पता लगा लूंगा और तुमसे शादी भी कर लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें सुरक्षित जगह पे रखना होगा। चलो चलते हैं। नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैं भाग गई हूँ ऐसा सोचकर वो मेरे पापा को मार डालेगा। जब तक मेरे पापा मुझे नहीं मिल जाते, मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। अरे बाप रे, उसके आने का समय हो गया, उससे पहले हमें वहां पहुंचना होगा। वो क्या है ना कि मुझे वहां जल्दी ले चलो, नहीं तो वो पापा को मार डालेगा। चलो चलते हैं। हले 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 हले, आजा मेरे पास, दिल से दिल मिला ले। धीरे 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 धीरे, आजा मेरे पास, दिल से दिल मिला ले। मैं दीवाना हूँ तेरा ही पागल हूँ, इश्क में तेरे मैं इस तरह घायल हूँ। मैं दीवानी हूँ तेरी दीवानी हूँ, दुनिया से हम मैं बिल्कुल अनजानी हूँ। तुझसे ही मैं, तुझसे ही दुनिया, तू है मेरी तू फिरती कलिया। तू है दिल, मैं हूँ दिल भर जानिया, मुझ पर तेरी है मेहरबानिया। ए होले 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 होले, आजा मेरे पास, दिल से दिल मिला ले। धीरे 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 धीरे, आजा मेरे पास, दिल से दिल मिला ले। साथ जी के चल वादा ले ले सनम। आंखों
तेरे मैं इस तरह घायल हूँ। मैं दीवानी हूँ, तेरी दीवानी हूँ, दुनिया से हाँ मैं बिल्कुल अनजानी हूँ। तुझसे ही मैं, तुझसे ही दुनिया, तू है मेरी तू खिलती कलियाँ। तू है दिल, मैं हूँ दिल वर्जनिया, मुझ पर तेरी है मेहरबानी। होले 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 होले, आजा मेरे, आजा मेरे पास, फिर से दिल मिला ले। देख कमला क्या कर रही है। ओके सर। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो। वो यही है सर। वेरी गुड। क्या कर रही है वो? सर वो आराम से पेपर पढ़ रही है। आपको डाउट क्यों हो रहा है सर? कुछ नहीं, हमेशा उसकी याद आती है, इसलिए फोन किया था। ओके। अरे 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 रानी, अरे अरे आप भी जाओ ना। मुझे अभी नहीं आना। अरे आप, बहुत मजा आएगा। ये लो भैया। क्या बात है भैया, आजकल बहुत ही बिजी हो। हाँ, मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करवा दूंगा। आप भी ना भैया, चाय अच्छी थी ना? मजा आ रहा ना? छोड़ो। ए, 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 जाओ जाओ जाओ, कपड़े बदल लो। क्यों बेटा, आते ही जा रहे हो? अब मुझे अर्जेंटली एक दोस्त के यहाँ जाना पड़ रहा है। अच्छा बेटा, समय पर आ जाना। ठीक है पापा। आज खाने में तुम्हारे पसंद के पराठे बने हैं और पापा ने बनाया है, जल्दी सुबह पे घर आ जाना। कुछ मिस करूंगा पर वो मिस नहीं करूंगा, बहन हो तो तुम्हारी जैसी। चलता हूँ। बाय बाय। अरे अपने भैया को बहुत प्यार करती है। हाँ माँ। विश्वा। क्यों फोन किया तो उठाया नहीं तूने? फोन पानी में गिर गया था ना। देखा, काम कर रहा है ये। मैं खिलाड़ी हूं ना, अब तो खुश हो ना तुम। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? इस नरक में रह के कौन खुश रह सकता है? मेरे रहते तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, समझी ना? तुम मेरे पापा को किसी हाल में बचा लो,
इस राक्षस का खात्मा कर दो, मुझे एक नई जिंदगी दे दो प्लीज। क्या विश्व, क्या सोच रहे हो तुम? वो कैसे भी तुम्हारे पापा से मिलेगा ही। अगर मैं उसे फॉलो करूं तो जरूर ढूंढ लूंगा। करेक्ट विश्वा, कैसे भी करके तुम मेरे पापा को ढूंढ लो। ढूंढ लिया ना फिर वहीं पे उसे खत्म कर दो, मेरे पापा को ले आना। ठीक है, उसका फोटो है क्या? ले आओ। ये ले विश्वा। नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो ये मेरे लिए देवता के समान है, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छू सकता। ये मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विश्व, प्यार करता हूँ कहा था ना, बहुत प्यार करते हो। कुछ भी कर सकते हो मेरे लिए, यही कहा था ना तुमने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही बेवकूफ थी। लेकिन एक राक्षस को भगवान बना दूं वो कैसे हो सकता है? और तुम कहते हो शर्म कहीं के, जाओ जाके कुछ खाने के लिए लेके आओ। ए, गरम गरम मिर्ची के भजिए दो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये लो पानी पी लो, पानी पियो। हे छे, पूरा मेरा ड्रेस खिला कर दिया तुमने। चलो, तो चलो यहाँ बैठो, चने खिलाता हूँ। ए, चना दे दो। ये लो चना खाओ। ये चना बहुत अच्छा है। अभी तो बीच का बहुत मजा आ रहा है ना। हाँ, मजा आ रहा है। ये लोग बीच खराब करने के लिए आए हैं। लेकिन यार, लड़की के बिना बीच और नमक के बिना दाल अच्छी नहीं। सही कहा तूने।
ए, तुम लोग चुप रहो, तवा गरम है, जिनको रोटी सेंकनी है वो सेंक लो। अरे छोड़ो इसे, जाने दो। चलो तुझे तो बाद में देख लूंगा। We'll be right back.
अगर उन्होंने मुझे बचाया नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। उन्होंने मेरी जान बचाई और तुम कहती हो मैं उन्हें जान से मार दूं? बहुत लोग मदद करते हैं लेकिन उन सबको अच्छे लोग नहीं कह सकते। उस दिन किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, वो लोग बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो मौका वैसा था। और उसी तरह आज मैं इस मौके पर उनको नहीं मार सकता। मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम्हारी जान उसने बचाई थी इसलिए तुम उसकी जान नहीं ले सकते हो, लेकिन वो राक्षस धीरे धीरे मेरी जान ले रहा है। ये देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए, तुमने मुझसे प्यार किया था या नाटक? प्यार किया है लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता। एक बेवकूफ बाइक लेके खड़ा है, बात करके देख लो। सर एबीएम स्टूडियो जाना है, लिफ्ट दोगे क्या? तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना कि मैं एक फिल्म में हीरो बनने वाला हूँ, शूटिंग चालू है। अच्छा अच्छा, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया या पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रही है यार। क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, बाइक को उस तरफ गिरा के देखो। अच्छा उस तरफ गिराइए। उधर गिरा दूं? हाँ आप डरो मत, जरूर स्टार्ट होगी। अरे ठीक से इधर गिराने से स्टार्ट होगी क्या? उठाइए उठाइए, अब स्टार्ट करके देखिए, चालू होगा क्या? स्टार्ट करो। हाँ अरे स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। इधर आओ, इस तरफ आ जाओ, इधर गिरा के देखते हैं। बस 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 बस, रुक जाओ। अरे बाबा, अब स्टार्ट करो, इधर से जल्दी स्टार्ट करो भाई, मुझे देर हो रही है। बराबर अरे स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। रुको रुको, मैं तुम्हें एक अच्छा आइडिया बताता हूँ। ये आइडिया काम करेगा लगता है, मैकेनिक है। ये लकड़ी अंदर डाल के देखो। अंदर डालने से पता चलेगा क्या? अंदर डाल के तो देखो, कुछ पता चल रहा है क्या? बाहर निकालो, कुछ दिखा? कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसको फेंको और झुक के देखो, इसे फेंको। तो मुझे झुकाओगे क्या? अच्छी तरह झुक कर देखो, अच्छी तरह झुक कर खोल कर देखो। कुछ नहीं दिख रहा है, अकल के अंधे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी दिखाता हूँ, ये देख। अरे नहीं दिख रहा है भाई। अरे यार अब दिखा, अब दिखा, नहीं दिख रहा है, अब दिखा कि नहीं? हाँ अब दिखा, नहीं तो ये देख। अरे बाप रे, अरे मैं तो शूटिंग के रिहर्सल कर रहा था, मैं हीरो जो हूँ, समझ गया। तेरे जैसा यार कहाँ। गुड नाइट सर। ससुर जी कैसे हैं? दो दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, कमला से मिलना है, कमला से मिलना है, यही रट लगा रहे हैं। खाना नहीं खाया तो बुरा हाल हो जाएगा। वैसा क्या? चलो चल करते। चलिए सर। ससुर जी नमस्ते। ससुर जी, अरे ससुर जी खाना नहीं खा रहे हो क्या, भूखे हो? आपको मालूम है आपकी बेटी दिन में 3 बार खाना खाती है, 2 बार जूस पीती है, अभी वो मोटी हो गई है और अच्छे से बात करती है। सच कहूं तो आपकी बेटी मेरे घर में महारानी की तरह है। ससुर जी
आपकी बेटी से मेरी शादी होने वाली है और आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, इसलिए आपको खाना खाना पड़ेगा ससुर जी। ए लेखा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमको विश्वास नहीं है, सबूत चाहिए। तुम्हें वीडियो शूट करके दिखाऊं क्या? शादी तक तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। हे चल खा। हे मेरी और कमला की शादी होने वाली और तब तक तुम्हें जीना पड़ेगा। नहीं चल खा। हे पुलिस की मार मत खा, चल खाना खा, चल खा। मेरे अच्छे ससुर जी। तुम आराम से सो रही हो और मैं तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। आई लव यू, गुड नाइट। तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा दिया है तुमने मुझे। हेलो, सो गई थी क्या? अभी तुमने फोन क्यों किया? मैं तुमसे बात करना चाहता था इसलिए। वो और वो आ गए हैं क्या? तुम्हारा भगवान अभी सो रहा है। मजाक मत करो, तुम्हें तंग किया था क्या? तुम्हें क्या पड़ी है, मैं वो सारे दर्द सह लूंगी। ए, तुम दुखी मत हो, रुको मैं अभी वहां आता हूँ। नहीं तुम इधर मत आओ, विश्वा तुम यहाँ मत आना। क्या हुआ? तुम बाहर क्या कर रही थी? मैं बाहर हवा खा रही थी। है? घर में एसी है, पंखा है, फिर क्यों बाहर गई थी? मुझे नींद नहीं आ रही थी। सॉरी, रात में तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत?
कि उसके घर में रहते ही फोन करते हो? हाँ, उसके लिए हिम्मत तो चाहिए ही। तुम हिम्मत वाले हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पसंद किया है। लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? ओहो, तुम मुझे गलत मत समझो। तुम्हारे पापा को कैसे बचाऊं, यही तो सोच रहा हूँ मैं। क्या बात है, बदल गए हो। उस दिन तो कह रहे थे वो मेरा भगवान है। अभी भी मैं उसको नहीं मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा को जरूर बचाऊंगा। मगर कैसे? ज्यादा सोचो मत। फॉलो करोगे तो ढूंढ लोगे, तो ढूंढ लो उसे, फिर रहेंगे हम दोनों साथ साथ आराम से। कमला, कमला, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। हेलो, कमला, छोड़ो, छोड़ो। पढ़िया, तुमने धोखा दिया ना मुझे। फिर भी मैंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने कभी तुम्हें छुआ क्या? हम दोनों एक ही बेडरूम में सोते हैं, फिर भी मैंने तुम्हें कभी टच किया क्या? लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। हमारे बीच में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, समझी तुम? किसने फोन किया था जल्दी बताओ, किसने फोन किया था? आप जब से उस लड़की के साथ रह रहे हैं तब से हमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा सर। हाँ, ये सच कह रहे हैं सर। सर, हमारे ये करो, नहीं देखूंगा सर, प्लीज सर, हमें छोड़ दो। जा जा तुम लोग यहाँ से। थैंक यू सर, भाई भाई, थैंक यू सर। कांस्टेबल्स। यस सर। उन पे नजर रखना। यस सर। जाओ। प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, दूसरा मान लो। प्यार है मंदिर, प्यार खुदा है यारा, प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है प्यारा। अरे प्यार है मंदिर, प्यार खुदा है यारा, प्यार में जीना, प्यार में मरना, प्यार है सबसे प्यारा। फूलों में खुशबू प्यार की, चाहत में खुशबू यार की, नदियों में लहरें प्यार की, गीतों में सरगम प्यार की, दिल धड़कन तन मन प्यार है, ये चारों दिशाएं प्यार है। आशिक की आशिक प्यार है, यारों की यारी प्यार है। प्यार है मंदिर, प्यार खुदा है यारा,
प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है प्यारा। की बहती धारा जो है प्यार का बंधन कहलाता वो है। ओ, पावन भीनी भीनी सी खुशबू प्यार में हर पल आती रहती है। जो प्यार में रम जाते हैं सच्चे आशिक कहलाते हैं। फिर प्यार में इतिहास एक यारों सच में बन जाते हैं। प्यार से प्यार में प्यार के गीत गाते हैं। दुनिया से प्यार में हार के जीत जाते हैं। आशिक वो कहलाते हैं। प्यार है मंदिर प्यार खुदा है यारा। प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है प्यारा। सरगम ये कहती है चाहत हर धड़कन में रहती है। ओ, दिल की बातें दिल ही बस जाने। प्यार में आंखें खोई रहती है। नस नस में है बस प्यार भरा इस प्यार की पूजा होती है। जो दिल में हाँ बस प्यार करे जन्नत सी दुनिया होती है। प्यार से प्यार में प्यार के गीत गाते हैं। दुनिया से प्यार में हार के जीत जाते हैं। सच्चे आशिक कहलाते हैं। प्यार है मंदिर प्यार खुदा है यारा। प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है प्यारा। अरे प्यार है मंदिर प्यार खुदा है यारा। प्यार में जीना प्यार में मरना प्यार है सबसे प्यारा। फूलों में खुशबू प्यार की चाहत में खुशबू यार की। नदियों में लहरें प्यार की गीतों में सरगम प्यार की। दिल धड़कन तन मन प्यार है ये चारों दिशाएं प्यार है। आशिक की आशिक प्यार है यारों की यारी प्यार है। प्यार है मंदिर प्यार खुदा है यारा। प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है प्यारा। चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी लगाई थी। सुनो, अगर मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हारी मर्जी से शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूं। उन 7 दिनों में तुम शादी के लिए अगर तैयार नहीं हुई तो मैं 7वें दिन तुमसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा।
तुम्हारा नाम क्या है? विश्वा। बाप का नाम? चिदंबरम। घर का पता? SM 26 सेकंड मेन रोड केके नगर। ये लो, इधर साइन करो। मैंने गांजा नहीं बेचा है। हाँ भाई, तू गांजा नहीं बेचता ही हम जानते हैं। और हम क्या गांजा नहीं बेचने वाले को गांजा की किस में फंसाते हैं, और नहीं बेचने वाले को भी उसी लॉकअप में डालते हैं। साइन करने बोला साइन कर। मैं साइन नहीं करूंगा। साइन करने को कहा था, तू साइन नहीं करेगा? बहुत जबान लड़ा रहा है, हड्डी तोड़ दूंगा। सर, आपको याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो आपने मेरी जान बचाई थी? सर सर, आप भगवान की तरह। तेरी जान बचाई थी, लेकिन आज तेरी जान ले लूंगा। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तूने मुझे धोखा दिया। सर, और सुन इसकी। ए, चल। अरे अरे अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे? छोड़ दो। क्या क्या जुर्म किया मैंने? क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? आपका नाम चिदंबरम है? हाँ साहब। अच्छा, तो ये गांजा बेचने का बिजनेस तुम्हारा बेटा करता है कि पूरे परिवार करते हो? ये क्या कह रहे हैं साहब, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता साहब। क्यों, तुम लोग टाटा बिरला खानदान से क्या? क्यों मार रहे हैं आप? सर सर, आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन उन्हें छोड़ दीजिए। सर सर, आप ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। हमारा काम अच्छा नहीं है। तो क्या तुम्हारा बेटा अच्छा काम करता है क्या? लिख के दो, तुम्हारा बेटा गांजा का धंधा करता है, जाओ तुम लोग यहाँ से। सर, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। हाँ, तुम्हारा लड़का वैसा नहीं कर सकता है। ए, चल। ये कौन है, तुम्हारी लड़की है? अच्छी है। सर, मैंने गांजा बेचा था, मैंने मान लिया है सर। छोड़ दीजिए। सर, ये लोग अच्छे परिवार के हैं सर। हाँ, इनकी फैमिली हमारी फैमिली। तुम्हारी औरत का किसी के साथ चक्कर चलेगा तो छोड़ देगा क्या? सर, ये फैमिली। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बेबी? बहुत सुंदर। ये क्या कर रहे सर आप? चलो, तुम्हारी सुंदरता में चांद चलने लगा। सर, उसको छोड़ दीजिए सर, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। नहीं सर, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा सर, प्लीज सर। सर प्लीज, तेरी बहन को मैं छूता हूँ तो तड़पता है ना? जब तुम मेरी महबूबा को छूता है तो मैं कितना तड़पता हूँ, बोल। आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, इसको छोड़ दीजिए सर। हाँ, आप समझदारी की बात की है तूने। हम पे रहम कीजिए सर। ए, सुनो, इनका साइन लो और भगाओ इन सबों को यहाँ से। चलो। कल को खून हुआ तो कोर्ट के चक्कर हमें काटने पड़ेंगे। पुलिस को मारने की कोशिश की है ऐसा? ओके सर, इसको मार डालो। ओके सर, हम देख लेंगे। चलो चलो अंदर। हाँ, चलो। ये क्या केस है सर? ये गांजा पीके मारपीट कर रहे थे, इसलिए पकड़ के लाया हूँ। पैसे हैं क्या? कुछ नहीं मिलेगा सर। सबको अंदर बैठा, साहब आएंगे तो बात करेंगे। जी सर। चलो चल। चीयर्स। साहब। बोल रहे है? आप काउंसलर हैं? कोई शक? आज आपकी पावर दिखाकर फिल्म कंपनी में बात करके मुझे हीरो बना दो ना। अच्छा, तुम्हें हीरो बना दूं? अच्छा, हीरो बन के करेगा क्या? मैं 3 फिल्मों में हीरो बन के एक्टिंग करूंगा और वो हिट हो जाएगी, फिर फैंस बनेंगे और उस फैंस का मैं एसोसिएशन बनाऊंगा और फिर उस फैन के पैसे से पोस्टर छपवा के मैं CM बन जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं PM बन जाऊंगा सर। खोपड़ी खराब हो गई है क्या तुम्हारी? हर आदमी CM बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जब देखो CM करता रहता है। अरे, हमारे पेट पे क्यों लात मारता है? मैं क्या बोलूं? हेलो भाई, मैं गणपत बोल रहा हूँ। क्या बात है? मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, फिर एक छोटा लफड़ा हो गया, हम सबको अंदर कर दिया है। क्या रे, जब तुम्हें अंदर डाला था तब तू चुप क्यों था? कहा था भाई,
लेकिन इज्जत ही नहीं दिया। तलवार मक्खन लाल बोला था क्या? बोला था ना। देख भाई, तलवार मक्खन लाल बोलने के बाद भी इज्जत नहीं दे रहा। ऐसा है तो आप हलवा मक्खन लाल बोल दो। है, रुको, एक मिनट में मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ। मैं हीरोइन के साथ ड्यूट गाने के चक्कर में था, लेकिन इस मुच्छो ने तो ग्लास उठाने के लिए मजबूर कर दिया। ए, चल जल्दी होटल स्टार्ट कर रहे। हथियार लिया है ना? वो तो हमेशा मेरे पास ही रहता है। सुन, क्योंकि हमारे दुश्मन ज्यादा है। सर, सर, सर साथ में है ना? हाँ सर जी। ए, हटो 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 हटो। क्यों भाई, आप अपनी ताकत इस भाई को दिखाओ। लोगों ने वोट देके इसको जिताया है और तुमने हमारे लड़कों को अंदर क्यों डाला है? समझो तुम्हारी नौकरी गई। मेहरबानी करके ऐसा मत करो। ए, मेरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, छोड़ हमारे आदमी को। सबको छोड़ दो। यस सर। ए, चलो तुम लोग बाहर निकलो, जाओ। इसको भी निकाल। देखो भाई, ऐसा है कि तू कानून का गुलाम है, लेकिन हम नहीं है। हमसे मत टकराना। इसको छोड़ दो, सब मेरे बच्चे हैं। कल मुझे कुछ होगा तो यही लोग तलवार लेके खड़े होंगे। हमसे डर के छोड़ दिया। सर 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 सर, मैं तुम हो तलवार मक्खनलाल? सर सर, मैं तो पेप्सी में पानी मिला मैंने आदमी हूँ। मैं उनको छुपा के कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ पता नहीं सर। तो शराब पीकर तुम सब लोगों को छुड़ा लेके कहाँ हो, बता बोल। सर 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 सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सर तो पेप्सी में पानी मिलाने वाला आदमी हूँ सर। सर सर, अगर तूने सच नहीं बताया तो मार मार के लाल कर दूंगा। समझा सर? मुझे मत मार सर। बाहर आए थे सर, नचा डालूंगा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, सुन लो, मैं तेरे ही घर में अपनी होने वाली बीवी से मिल रहा हूँ। तुमने मुझे 7 दिन की मोहलत दी थी ना, अभी 7 मिनट में मेरी शादी उसके साथ तेरे ही घर में होने वाली है। रोक सकता है तो रोक ले, या फिर पकड़ ले। नहीं नहीं, कहाँ है तू? तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऊपर देखो, कहाँ है वो? कोई आया था? कौन आया कौन गया मुझे क्या पता? ए, झूठ बोल रही है तू, कहाँ है वो? हेलो, क्यों मामू, धोखा खा गए? मजाक किया था। ए, तू कुछ नहीं कर सकता। मामू, 7 दिन का वक्त दिया था, उसी 7 दिन के अंदर मैं उसको उठाऊंगा, देख लेना। रोक सकता है तो रोक ले। मुझे तुझको उसी दिन मार देना चाहिए था। आज तो मुझे टेंशन दे रहा ना? सर वो नहीं है सर। मेरी बात सुनो, घर के चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दो। ओके सर। कमला, जैसा मैंने कहा था, 7 दिन में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सर इतनी देर क्यों, अभी शादी कर लो सर। क्यों, उसके डर से शादी करोगे क्या? मैं उसके डर से क्या शादी करूंगा, डरेगा तो वो मुझसे जब उसके सामने मैं तुमसे शादी करूंगा और उसकी बलि चढ़ाऊंगा। Hey, तू इसका ख्याल रखना। ओके सर। तुम उस तरफ देखो और तुम उस तरफ। ठीक है सर, सर आपका फोन। हेलो सर, घर खुला है, हम लोग यहाँ आने वाले हैं। ये सुनते ही वो लोग यहाँ से भाग गए। अभी तो वो मुझसे बच गया, लेकिन आगे नहीं बच पाएगा। कहीं भी दिखा तो उसे गोली मार दो। ओके ओके सर, वो कहीं भी दिखा तो उसे तुरंत गोली मारने को कहा है। ओके सर। साथ में कोई भी हो तो परवाह मत करना, उसे वहीं खत्म कर देना। ओके सर। बेटा, वो लोग तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं।
तू ये शहर छोड़ के चला जा। अगर तू उसके हाथ आ गया तो नहीं बच पाएगा बेटा। देखो बेटा, वो आदमी नहीं जानवर है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। चलो यहाँ से चलते हैं। आइसक्रीम 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 ले लो। अरे आइसक्रीम ले लो। क्यों भाई, कल हाथों में तलवार लेके घूम रहे थे और आज आइसक्रीम? भाई आइसक्रीम बेच के फिल्म में किसी भी तरह से हीरो बनना चाहता हूँ, समझा क्या? ए भाई, फिल्म का हीरो बनने के लिए आइसक्रीम बेचना नहीं खिलाना पड़ता है। बताओ कौन सा फ्लेवर है? पाइनएप्पल, वेनिला, मैंगो, ये सब आइसक्रीम है। आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए बोलो? ठीक है, एक वेनिला और एक चॉकलेट आइसक्रीम दे दो। ये चॉकलेट है, ये मैंगो। अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छा है। ये कितने की है? 10 रुपए की। और ये? 5 रुपए। 10 का 5 का, तो ये कितने का है? ये 10 रुपए की है। तो ये कितने का है? अरे 5 रुपए की है। अच्छा 10 का है 5 का है, ये कितने का है? इसके 5 रुपए है। क्यों भाई, ये आइसक्रीम तुम गंदे पानी में बनाए हो, तब भी इसके 10 रुपए और 5 रुपए मांग रहा है? भाई साहब, हमारी कंपनी में साफ पानी में बनाई गई आइसक्रीम है ये। सच बोल रहा है तू? हाँ। भाई साहब जल्दी पैसा दो ना, पिघल जाएगी। ये तो पिघल गया है, अब तो 2 रुपए में दे दो। नहीं नहीं, वो 10 रुपए की और वो 5 रुपए की। अरे पिघल रही है, जल्दी पैसा दो ना। पिघलने वाली आइसक्रीम का मैं क्यों पैसा दूं? ये ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसा चाहिए। आइसक्रीम तो पिघल गई, ये डंडे ले ले। अरे ये डंडी लेके मैं क्या करूंगा, इसको तू अपने पास रख। इसे लेके मैं क्या करूंगा? ए, चुपचाप पैसा दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए, चला, ए, सुन, चुपचाप पैसे देनी तो धो दूंगा। जो चीज मैंने कही उसका पैसा मैं कैसे ले लूं? मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, नहीं छोड़ूंगा, मुझे पैसा चाहिए। अरे भाई क्या लफड़ा है। कल की पंचायत में आपने ही फैसला किया था, वही हो ना, आज हमारा फैसला कर दीजिए। इसका फैसला? सर आइसक्रीम खा गया, पैसे नहीं दे रहा है। दे दो पैसे। सर मेरी बात सुनिए। तुम्हारी बात सुनने के बाद पंचायत का फैसला मंजूर होगा ना? एक चॉकलेट और एक मैंगो। अरे चॉकलेट और मैंगो खिलाओ। अब मुझे क्या करना है? ये कितने का है ये पूछो। ये कितने का है? ये 10 रुपए का। और ये कितने का है? ये कितने का है? ये 5 रुपए का। ये कितने का है? ये कितने का है बोलो। अरे ये 10 रुपए का है। और ये कितने का है? ये कितने का है? अरे ये 5 रुपए का है। ये कितने का है? अरे ये 10 रुपए का है ना। ये कितने का है? अरे ये 5 रुपए का है। इसकी कीमत क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। अरे मैं कितनी बार बोलूं ये 10 का है? ये कितने का है ये बताओ। ये 5 का है। ये कितने का है ये बताओ। ये कितने का है? अरे जल्दी से पैसा दो, पिघल जाएगी। ये क्या हो गया, बात करते करते आइसक्रीम पिघल गया। अब मैं पिघले हुए आइसक्रीम का पैसा नहीं दूंगा। अबे उधर जाता कहाँ है, पहले पैसे दे। यही बात मैंने बोला तो मेरा शर्ट पकड़ लिया। तुम दोनों को क्या मजाक लग रहा है, मैं अली बात आया हूँ, चुपचाप पहले पैसे निकालो। क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, एक चॉकलेट और मैंगो मांगा। चॉकलेट आइसक्रीम के साथ 50 रुपए भी। अरे बाप रे, मैं आइसक्रीम बेच के हीरो बनना चाहता था, ये लोग मुझे कॉमेडियन बना देंगे। हीरो बनेगा? शुक्रिया सर। 50 रुपए दे। क्या सर, मैं 5-10 रुपए के लिए भटक रहा हूँ और 50 रुपए मांग रहे हो? चलो चलो, दस रुपए तो दे। ये लो, साहब ने तुम्हारे लिए बिरयानी भेजा है, गर्मा गर्म बिरयानी खाओ। हाँ खाओ। थू थू थू। तुम ही खा लो भाई। थैंक्स। बिरयानी बहुत टेस्टी है। Hey, तू बिरयानी क्यों खा रहा है? साहब आप आदमी हो या बेवकूफ, ये कहता है बिरयानी सड़ी हुई है, इसने आपकी इंसल्ट की है सर। आपकी इंसल्ट नहीं सह सकता था, इसीलिए खा रहा हूँ सर। क्यों ससुर जी, आप भी मेरी भावनाओं को नहीं समझते। मैं चाहूँ तो आपकी बेटी को गायब कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता।
मैं आपकी बेटी के साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ससुर जी, आपकी बेटी को कोई घूर के देखता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरी मदद करो प्लीज। ससुर जी, आपको क्या चाहिए? मैं उसे सब लाके दूंगा, उसे खुश रखूंगा। मेरी बात का यकीन कीजिए। आप आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज ससुर जी, मेरी बात मान लीजिए। प्लीज ससुर जी। तुम एक धोखेबाज हो, कमीने हो, लड़कीबाज हो। मेरे जीते जी मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते तुम। पापा। हेलो। अभी 10 मिनट के बाद तेरी जान से प्यारी कमला को उठा लूंगा। बचा सकता है तो बचा ले। अरे रे! सर, मैंने चारों तरफ देख लिया है सर, लेकिन वो नहीं आया है सर। कैसे आ सकता है? ये मेरा घर जो है। चलो ख्याल रखना। ओके बाय। हेलो। क्यों इंस्पेक्टर, डर गया क्या? तुझे टेंशन देने के लिए ऐसा ही मजाक किया था, लेकिन उसको उठा के जरूर ले जाऊंगा। हे डरपोक, दम है तो सामने आ। हेलो हेलो। हेलो, यहाँ से किसने फोन किया था? सर ये पीसीओ है, आपको किसने फोन किया था पता क्या? नहीं। हाँ, ये पीसीओ कहाँ है? सर केके नगर। हाँ चलो। सर गेट खोलो, दवा छिड़कनी है। अंदर परमिशन नहीं है, तुम बाहर ही छिड़क दो। सर चिकनगुनिया की बीमारी फैली है, दवा छिड़कनी है सर। ठीक है अंदर जाओ। ओ ओ ओ। हेलो इंस्पेक्टर, मैं उठाऊंगा कहा था ना, उठा लिया, अभी वो मेरे पास है। हे हे बच्चे, ये कहानी किसी और को सुना वरना तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। घर में देखकर बात करो वहाँ है या नहीं, चाहो तो मैं उसे बात कराता हूँ। हे चल बात कर। मुझे बचाइए प्लीज, अभी मैं आपको समझी हूँ, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। मुझे छुड़ा लीजिए यहाँ से प्लीज, मुझे बचा लीजिए, मुझे ले जाइए यहाँ से। कमला कमला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कमला मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I'm coming, okay? हाँ, bye. Hey, चले इधर ला। क्यों रे, वही आवाज है ना, मैंने इनसे प्यार नहीं किया था, प्यार का नाटक किया था। हेलो सर। क्या सर, जैसा उसने कहा वैसे वो उठा ले गया। तुम लोग कहाँ थे? सर अंदर कोई नहीं आया है सर। क्या कोई नहीं है?
जाओ 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 जाकर तुम लोग जल्दी बाहर देखो। ओके सर। मैडम अंदर है क्या? सर मैडम अंदर नहीं है सर। वो कैसे भागी? जाओ ढूंढो उसे। अब लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। कहाँ ले गया होगा उसे? कमला तू कहाँ है? कमला अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं खत्म कर दूंगा उसे, खत्म कर दूंगा। बोल क्यों इंस्पेक्टर, तू ज्यादा टेंशन में है क्या? इधर तेरी महबूबा भी रो रही है, देखा वो तुझसे प्यार करने लगी थी, मैंने करेक्ट टाइम पे उठाया। नहीं ये तूने अच्छा नहीं किया, तू क्या चाहता है? ओके तो सीधा अब डील की बात करते हैं। तेरे प्यारे ससुर जी है ना, वो अगर साइन करेंगे तो मुझे 3 करोड़ मिलेंगे। इसलिए मैंने इससे प्यार का नाटक किया था, ये बात कमला भी नहीं जानती थी, इसलिए तू एक काम कर, उनको मेरे हवाले कर दे और इसको ले जा। ओके ठीक है, कहाँ आना है? शब्र करो, जल्दबाजी मत करो, पहले शर्त के बारे में सुन लो। जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ उसके बाप को तुझे बाइक पर लाना है, साथ में कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई आ गया तो इसे मार कर मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसके बाप के साथ रहकर तुझे तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा, पहले तुझे आना पड़ेगा फिर मैं आऊंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा तू अकेला है या किसी के साथ में। तेरे पुलिस के दिमाग से इस लोफर का दिमाग बहुत तेज है। ओके ओके तेरी शर्त मंजूर है, मैं उसे ले आऊंगा, लेकिन तू कमला को नहीं लाए तो? क्यों भाई, मैं इसका क्या अचार डालूंगा? मुझे 3 करोड़ चाहिए, वो भी बुड्ढे के साइन करने पर मिलेगा। 3 करोड़ मेरे पास आ जाएं तो ऐसी हजारों कमला मुझे मिल जाएंगी। सुन ले, अगर तू वहां टाइम पे आ गया तो कमला तुझे हमेशा के लिए मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ आना है? सिमरम बक्कम डैम के पास, ठीक 8 बजे आ जाना। ठीक है। ओके डन। तुम सोचना मत, उसको गोली मार देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके नई कंडीशन लगा रहा है, ये अच्छा नहीं है। ए, बच्चे तुम्हें चाहिए इसकी साइन और वो लेकर उसे वापस भेजो, समझा? ये खुश रहेगा तो मेरी कमला खुश रहेगी, क्या? ओके ओके साइन लेकर उनको वापस भेज दूंगा, भेजो। आ, जा डर मत जा। बेटी Huh?
जिंदा ना दूंगा तुझे। ए चालो से मारो सागर को। डाल दे डोर अंदर साला बन गए। चल साला हरामी डाल इसके अंदर साले को साला ए डाल क्यों खाना खा लिया? साहब ने खाने को कहा है। परसों शादी है, सुना तुमने? दुल्हन भूखी नहीं रहनी चाहिए। क्यों आशिक मर गया इसलिए दुखी हो? उसके मरने के बाद मैं तुम्हारा दुख देखना चाहता था। बेचारा जवानी में ही मर गया। एनीवे मैं बहुत खुश हूं। लड़की को कहाँ रखा? सर अच्छे से सेफ्टी में रखा है। ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज अरे यजमान जल्दी कीजिए व्रत निकला जा रहा है। बैठिए संसार तारम भुजेंद्र <Yeah. laughs>
रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? सभी पुलिस वाले एक समान नहीं होते हैं। शुरू से मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करता हूँ। अंदर जाके बचा लो उसे। गॉड ब्लेस यू। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय भागो हे प्रभु। अच्छा, तुमने मेरी जान बचाई थी लेकिन मुझे मार भी दिया। अभी नया जन्म लिया है मैंने, अभी कोई एहसान नहीं है तेरा। मेरी कमला मुझे वापस कर दे। तुम्हारे बिना नहीं जी सकता कमला, ये तुम पहन लो तभी मेरी शादी मुकम्मल होगी। कमला मेरी है, वो सिर्फ मेरी है कमला। तुझे क्या चाहिए? मुझे मेरी महबूबा चाहिए। दे सकता है? हाँ, तेरी वजह से मैंने उसे खो दिया है। अब ये भी जिंदा नहीं बचेगी। जैसे मैं रोया था वैसे तू भी रोएगा। जैसे तुमने उसको मारा वैसे मैं इसे मार दूंगा। मेरी बात सुनो विघ्नेश, हमारी इस 25 साल की जिंदगी में शराब, लड़की, डांस, इन्हीं सब चीजों में हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए तुमने अपनी शालिनी को खो दिया और मैंने अपनी माँ बाप बहन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाहर से तुझको मैं तेरा दुश्मन लगता होगा, लेकिन मैं तुझे दोस्त मानता हूं। हमने जो खोया है वो सब भूल कर क्या हासिल करना है ये सोचते हैं। बेटा होगा तो हमारी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा और बेटी हुई ना तो भरतनाट्यम डांसर बनेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तूने मुझे दोस्त कहा, तेरे प्यार के लिए मैंने इस राक्षस को मार दिया। प्यार की हमेशा जीत होती है। जाओ खुशी से अपनी जिंदगी शुरू करो।